Assalamu alaikum my dear student, today we will discuss about the types of the leaf. ठीक है, ये हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स का. इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लीफ एंड रीजन्स ऑफ द लीफ, जैसे कि लीफ बेस, पिक्यूल, लेमिना, उन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है. आज हम देखते हैं बेसिकली जो फ्लोरिंग प्लांट्स है या जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसमें कितने टाइप्स का लीफ होते हैं. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दो किस्म के लीफ होते हैं, एक होता है सिंपल लीफ, दूसरा होता है कंपाउंड लीफ. जो सिंपल लीफ होते हैं उनमें जो इंसेशंस होता है वो मिडरिब के साथ टच नहीं करते हैं, लेकिन जो कंपाउंड लीफ होता है वो मिडरिब के साथ क्या करते हैं, मिडरिब तक क्या करते हैं, टच करते हैं. ठीक है, अब ये कंपाउंड लीफ फर्दर डिफ्रेंशिएट किया गया है दो कैटेगरीज में, एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा होता है पार्मेटली कंपाउंड लीफ. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे उनको. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा होगा इसी में वो होगा फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच कैसे होते हैं, उसमें अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट होते हैं और भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो देखो पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लीफ इन फ्लोरिंग प्लांट्स. बेसिकली फ्लोरिंग प्लांट्स में लीफ का दो किस्म होता है, एक होता है सिंपल लीफ, क्या होता है सिंपल लीफ, दूसरा होते हैं कंपाउंड लीफ. दूसरा क्या होता है कंपाउंड लीफ. अब इसको समझने के लिए मैं यहां पे एक लीफ बनाता हूं. ठीक है, देखो इनको क्या कहते हैं, इंसेशन कहते हैं, इंसेशन. एक डिप्रेशन होते हैं सरफेस या ऑटोमोस जो सरफेस ऑफ द लीफ है. ठीक है, या ये इस तरह हो सकते हैं या ये कंप्लीटली स्मूथ हो सकता है, इंसेशंस के बगैर भी लीफ होता है. ठीक है, अब देखो किसी लीफ में ये जो इंसेशंस होता है ये मिड रिब तक नहीं पहुंचते, उस टाइप को हम क्या कहते हैं सिंपल रिब. तो हम देखो इसमें ये जो इंसेशंस टच नहीं कर रहे मिड रिब तक, ठीक है, इस टाइप के लीफ को हम क्या कहते हैं सिंपल. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे सिंपल लीफ को, व्हेन द इंसेशंस डस नॉट टच विथ द मिडरिब. दोस लीव्स आर कंसिडर्ड एज सिंपल लीव्स या सिंपल लीव. ठीक है, ये जो इंसेशंस है इस मिडरिब तक नहीं पहुंच रहे. ये क्या है मिडरिब, क्या है मिडरिब, ये इंसेशन इस मिडरिब तक पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, देखो. ठीक है, इस टाइप की लीव को हम क्या कहते हैं सिंपल लीव. इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा लीव बनाता हूँ, सपोज ये जो इंसेशंस है ये टच कर रहा हो इस मिडरिब तक, ये इंसेशन टच कर रहा है इस तरह से ये इंसेशन क्या कर रहा है टच कर रहा है कहाँ तक, इस मिडरिब तक. और इस टाइप की लीफ को हम क्या कहते हैं कंपाउंड लीफ. व्हेन इंसेशन टचेस विद द मिडरिब. इसके कंडीशंस में कंपाउंड लीफ में जो मिडरिब होता है इस मिडरिब को हम एक पार्टिकुलर नाम से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको कहते हैं रैचेस. रैचेस इज द मिडरिब प्रेजेंस इन द कंपाउंड लीफ, या हम इसको मिडरिब कहते हैं या हम इसको कहते हैं रैचेस. रैचेस के साथ जो टच करता हो उसको हम क्या कहते हैं कंपाउंड लीफ कहते हैं. ठीक है, बेसिकली ये जो कंपाउंड लीफ है वो हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं. कितने किस्म के, दो किस्म के. एक जो होते हैं इसको कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ. दूसरा जो होते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ. दूसरा क्या होता है पाल्मेट ली
the compound leaf. Palmate leaf compound leaf. LEF leaf. ठीक है, देखो compound leaf are those leaf when the incision touches the midrib या ridges is called compound. These compound leaf are further subdivided into two categories. One is pinnate leaf compound leaf, another is palmate leaf compound leaf. अब हम इसका डिफरेंस समझते हैं. जो pinnate leaf compound leaf होता है, इसका लीफ इस तरह से होते हैं. इस तरह से बहुत सारे लीफलेट्स रेंज होता है अपोजिट मैनर. ठीक है, इस तरह से इसको क्या कहते हैं, pinnate leaf compound leaf. जो हमारे किकर में देखने को मिलता है, किकर मतलब मध्य किकर एंड लीफ का चौमा तो चौमा, और वो लीफ कंपाउंड लीफ है. बेसिक एग्जांपल क्या है, वो pinnate leaf compound leaf. ठीक है, और नीम जो प्लांट होता है इसमें भी इस तरह के लीफ होते हैं. ठीक है, इसी के अलावा जो palmate leaf जो कंपाउंड लीफ होता है, सपोज ये पिट्यूल है या ये रेचिस है, इसका टर्मिनल पोर्शंस पे बहुत सारे लीफ क्या होते हैं, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं. इस टाइप के लीफ को हम क्या कहते हैं, palmate leaf compound leaf. जो हमें देखने को मिलते हैं सिलिक कॉटन में, तो कॉटन प्लांट्स में हमें क्या मिलते हैं, कॉटन प्लांट्स में हमें इस तरह के लीफ देखने को मिलते हैं. अब हमारा जो सैंपल लीफ होता है, मती चाहे स्गेरपाइन ब्रोचन मल्चन गामी नीचे उमर सैंपल लीफ, ठीक है, आप लोग देखते होंगे उसका जो इंसेशंस होता है वो टच नहीं करते हैं मेट्रिक के साथ. ठीक है, तो सब क्या होता है सैंपल लीफ. और बाकी आप आज से घर में ऑब्जर्व कर सकते हो, जो आपके सराउंडिंग में जो प्लांट्स होते हैं, क्या वो कंपाउंड लीफ है या सैंपल लीफ है, आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया लीफ. इस तरह से याद रखना टाइप्स ऑफ लीफ. बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ लीफ इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक या फ्लोरिंग प्लांट्स. वन इज सैंपल लीफ, अंदर इज कंपाउंड लीफ. सैंपल लीफ इंसेशन डस नॉट टच विद द मिड्रिप इज कॉल्ड सैंपल लीफ. कंपाउंड लीफ इंसेशन टचेस विद द मिड्रिप. These compound leaf further differentiated in two categories. One is pinnate leaf compound leaf, another is palmate leaf compound leaf. Pinnate leaf compound leaf क्या होता है, spirally इस तरह से arranged होते हैं. ठीक है, opposite manner में arranged होते हैं. लेकिन जो palmate होते हैं उसमें एक terminal portions पे सारे leaf क्या होते हैं, arranged होते हैं. ठीक है, और ये हमें हम किकर बाकी जो हमारा नीम प्लांट्स, ठीक है, जो palmate होता है वो जिसमें होते हैं कॉटन प्लांट्स में, ठीक है, या सिल्क कॉटन में. इसके बाद हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो है फाइलोटेक्स. क्या है फाइलोटेक्स, फाइलोटेक्स, व्हाट इज मीन बाय फाइलोटेक्सी. फाइलोटेक्सी हम किससे कहते हैं कि हमारे स्टेम और ब्रांच पे किस तरह से लीव्स जो है अरेंज्ड है, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइलोटेक्सी कहते हैं. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी. हाउ कैन द लीव अरेंज्ड ऑन द स्टेम और ब्रांच, और इसी को हम क्या कहते हैं, फाइलोटेक्स कहते हैं. किस तरह से अरेंज्ड है, इसमें बेसिकली हमारे पास हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है तीन, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे होते हैं. ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है, तीन है. एक होता है अल्टरनेट, दूसरा होते हैं अपोजिट, और तीसरा होते हैं वॉर्नेट. ठीक है, तीन टाइप्स का जो फाइलोटेक्सी हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. एक होता है अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉर्नेट. ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो हमारे पास लीफ होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, नोट से. कहाँ से अराइज होते हैं, नोट से अराइज होते हैं. सपोज ये हमारे पास एक प्लांट का स्टंप है, ये क्या है, स्टंप है. अब मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर हम वन बाय वन करेंगे. ठीक है,
सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलेटिक्स, अल्टरनेट फाइलेटिक्स, अल्टरनेट फाइलेटिक्स, फाइलेटिक्स। अल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड है स्टेम के ऊपर लीव। इसको देखो, सपोज ये क्या है, हमारा एक स्टेम है, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स है, ठीक है, ये इसका नोड्स है, ठीक है। अगर इस नोड पे एक लीफ इस साइड में अरेंज्ड है और इस नोड पे इस साइड में अरेंज्ड है और इसमें इस साइड, इसमें इस, इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। ये किस मैनर में है, अल्टरनेट मैनर में। हर नोड्स पे क्या है, लीफ है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट अरेंजमेंट्स या अल्टरनेट फाइलोटेक्स कहते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल जो है चाइना रोज होते हैं, इसमें मस्टर्ड होते हैं और सब फ्लोर में क्या होते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, देखो, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ईच नोड्स गिव राइज टू लीफ, क्या देते हैं, लीफ देते हैं। हर नोड से क्या होते हैं, लीफ अराइज होते हैं। बट ऑल दीज लीव्स लाइज इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस। या इस तरह से याद रखो आप, हर नोड्स पे क्या होते हैं, हर नोड्स पे, एवरी नोड्स क्या होते हैं, gives rise to leaf but in alternate manner, alternate manner, alternate fashions में देते हैं। देखो पहले ये इस directions में, फिर इसके बाद ये इस direction में, फिर इस direction, तो ये क्या alternate है, one इस तरह से इसको कहते हैं alternate arrangements। और ये example है चाइना रोज, ठीक है। एग्जाम्पल जो है चाइना रोज सनफ्लावर और चाइना रोज सनफ्लावर और क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, अल्टरनेट फाइलोटेक्स भी होते हैं, ठीक है, मास्टर्ड में भी होते हैं, इन सब में क्या होते हैं, अल्टरनेट फाइलोटेक्स। और इसी तरह जो हमारा सेकंड है वो क्या होते हैं, अपोजिट फाइलोटेक्स, अपोजिट क्या होते हैं, फाइलोटेक्स। अपोजिट फाइलोटेक्स में क्या होते हैं, देखो सबको, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे नोड्स है, दो लीफ एक नोड से क्या करते हैं, अराइज करते हैं, लेकिन ये दोनों क्या रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं, इस तरह से, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक लीफ इस डायरेक्शन में, इस तरह से। इस टाइप को हम क्या कहते हैं, अपोजिट फाइलोटिक्स, क्या कहते हैं इसको, अपोजिट फाइलोटिक्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एक नोड से लीफ अराइज होता है, एक नोड पे दो लीफ अराइज होता है, लेकिन ये दोनों क्या रहते हैं, अपोजिट ओरिएंटेशन से रहते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और इस तरह के हमें जो एग्जांपल किस में देखने को मिलते हैं, एक तो है केलाट्रोपस, एग्जांपल जो है केलाट्रोपस एंड गावा, इन दोनों में हमें इस तरह के अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक होते हैं जिसको हम कहते हैं, देखो अब मैं रफ करता हूँ इसको, इसको मैं रफ करके यहाँ पे लिखता हूँ। जो थर्ड कैटेगरी के होते हैं वो क्या होते हैं, वॉर्लेट, थर्ड या सी पार्ट, वॉर्लेट फाइलोटिक्स, फाइलो। इसमें क्या होता है, देखो सपोज ये एक स्टंप है,
और ये क्या है रूट्स है, ये क्या है शूट्स है। सपोज यहाँ पे एक नोट्स है, यहाँ पे भी एक नोट्स है, इस नोट से बहुत सारे लीफ जो होते हैं अराइज होते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह बहुत सारे, और यहाँ पे भी इस तरह से अराइज होता है, यहाँ पे बहुत सारे लीफ अराइज होते हैं। इस टाइप को हम क्या कहते हैं वॉर्मलेट फाइलोटेक्स। एग्जाम्पल ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, एस्टोनिया, एक प्लांट है जिसका नाम है एस्टोनिया, जो प्लांट्स होते हैं इसमें हमें इस तरह के फाइल अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं। देखो फाइलोटेक्स एक्चुअली होता क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स या लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच, इसका फाइलोटेक्स। बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्स, वन इज अल्टरनेट अपोजिट एंड वॉर्मलेट। अल्टरनेट में क्या होते हैं, एक नोट से एक ही लीफ अराइज होते हैं, अगर इस बार नोट से इस डायरेक्शन में है तो नेक्स्ट बार इस डायरेक्शन में है, इसको कहते हैं अल्टरनेट। जैसे कि हमें देखने एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है सनफ्लावर, मस्टर्ड, और इनमें हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं अल्टरनेट मैनर्स ऑफ फाइलोटेक्सी। अपोजिट्स में क्या होते हैं, एक ही नोट से दो लीफ जो होता है अराइज होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं अपोजिट ओरिएंटेशन में होते हैं, एक इस तरफ दूसरे इस तरफ, एक ही नोट से अराइज। और वॉर्मलेट में क्या होते हैं, मोर देन टू लीफ अराइज एट नोट, पूरा हर दिशा में क्या होते हैं अराइज होते हैं, और इस टाइप को हम क्या कहते हैं वॉर्मलेट फाइलोटेक्स। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोअर एंड पार्ट्स ऑफ द फ्लोअर, एसेंशियल पार्ट एंड नॉन एसेंशियल पार्ट। ठीक है, उन सब के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा डिस्कस होगा।